हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं JSAC एजुकेशन। जैसा कि अब तक का सारा वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, तो ये भी वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि एक्साइज कॉन्स्टेबल का 4 अगस्त को आप सभी ने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, और मुझे हर एक ग्रुप में, मेरे जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सबसे मुझे कमेंट आ रहे हैं। सभी को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम तो दे दिए, लेकिन इसका कट ऑफ कितना जाएगा बताइए, हम टेंशन में हैं। सबको यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसे तो मार्क्स नहीं बोल सकता, हाँ 480 OBC का जाएगा, 420 ST SC का जाएगा, या फिर 320 जनरल कैटेगरी का, या फिर गर्ल्स कैटेगरी का इतना जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। अपने मन से बोलने से फायदा नहीं है। और मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी में सबको बोल रहेगा इतना से इतना कट है। भाई तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि हाँ ये 480 या 420 जाएगा, कोई तो प्रूफ दो तुम, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या पता चलेगा, इसमें मुझे कट ऑफ बनाने के लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए। आप जितना से जितना ज्यादा संख्या में इसे हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आपका बन के निकलेगा। और ये जो कट ऑफ होगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलमोस्ट 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, अगर आप लोग इसमें बहुत अच्छी संख्या में भाग लिए तो, ठीक है। इसमें आप लोगों के हेल्प की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको पता नहीं चलेगा कि बच्चे लोग एग्जाम कैसे दिए हैं, तो मैं यूं ही तो कुछ नहीं बोल सकता इतना कट ऑफ जाएगा, तो मतलब क्या बनता। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक दूंगा इसमें कि मैं इसे कैसे बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ, या और इसमें आप लोग का हेल्प कैसे लगेगा, ठीक है। तो आप 2 मिनट बस इसे निकाल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या चीज होने वाला है, ठीक है। इसके पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है। और सबसे क्वेश्चन आया है जनगणना से, क्वेश्चन आया है जो इसमें PDF मैंने अवेलेबल कराया तो उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जनजातीय विद्रोह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जनजाति से क्वेश्चन आया है, झारखंड का मैप से क्वेश्चन आया है, राजकीय प्रतीक जो ट्रिक बताया उससे क्वेश्चन आया है, राजपाल शिक्षा जितने सारे PDF दे सबसे क्वेश्चन आया है। लड़के मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं सर आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा, थैंक यू संजय। और भी बहुत कोई है, ठीक है, कि सर आपका वीडियो कमाल का है, थैंक यू सर। तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों के एक अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लाता रहता हूँ हमेशा। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मैं उसे हाईली रिकमेंड करूंगा, बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि जाके वो मेरा ज्योग्राफी का पूरा वीडियो देखे। ज्योग्राफी मैंने पूरा 20 लेक्चर में कराया है, और इससे बाहर एक्साइज कॉन्स्टेबल में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जितना भी टॉपिक मैंने कराया उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन अगर आपको बाहर से मिल जाए तो मुझे आप कमेंट कीजिए इसमें, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके उसे देखिए। और मेरे में ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का भी लेक्चर चल रहा है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैं हमेशा से ही आपको बोलते रहता हूँ कि आप थ्योरी में विश्वास रखिए, ठीक है, अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं बहुत सिलसिलेवार ढंग से हमेशा से बताते जाता हूँ कैसे चीजों को करना है, इसके बाद क्या हुआ होगा। तो इसलिए अगर आप थ्योरी अच्छे से रखेंगे तो क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ना, क्वेश्चन तो बनेगा ही बने, उसका काम ही बनना। अगर आप थ्योरी ले ही नहीं रहे हो, आप सीधे कुछ बनाए जा रहे हो, हाँ चलो हम 20-25 टेस्ट दे दिए, तो याद कितना रहेगा आपको, याद ही नहीं रह पाएगा जब तक आपको थ्योरी दिमाग में नहीं रहेगा। तो मेरा JSAC एजुकेशन का यही काम है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन तो आप 1000 जगह से कहीं से भी ले सकते हो यार, ठीक है। तो अगर जो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारे 3-3 WhatsApp ग्रुप ऑलरेडी एक्टिव है, यहाँ पे ऑलमोस्ट तीनों फुल हैं, ठीक है। और एक ग्रुप का लिमिट होता है 257, तो लगभग 250-250 सब में है। तो अगर आप लोग चाहे तो उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मैं नया ग्रुप बना दूंगा, मैं सारे में कंटेंट सेम देता हूँ। और फेसबुक ग्रुप से हमारा जुड़ना कभी ना भूले, फेसबुक ग्रुप से क्या होता है कि आपको इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह तुरंत मिल जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप में क्या होता है, सभी को म्यूट करके रखते हैं, या फिर कोई म्यूट करके नहीं रखता है, कुछ डिस्कशन होता है सबको पसंद नहीं आता है। लेकिन टेलीग्राम और फेसबुक में मैं ही कमेंट करता हूँ, या मैं ही वहाँ पे पोस्ट भेजता हूँ ताकि आपको मटेरियल वहाँ पे मिल सके। तो वहाँ पे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ ऐड हो सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए आप मुझे इसमें हाई लिख के भेज सकते हैं इस नंबर पे, या नीचे कमेंट में अपना नंबर कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब कटअप बनाने में आप लोगों के हेल्प कैसे लेगा। जो जो इस वीडियो को लैपटॉप में देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, फोन उठाएंगे और इसको स्कैन करेंगे। कैम स्कैनर एक ऐप आता है, या फिर कोई भी स्कैनर से आप ऐप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। आप स्कैन करेंगे, आप में एक लिंक ये वाला जनरेट हो जाएगा, सेम ही लिंक जनरेट होगा। उसमें क्लिक करने के बाद आप सीधे एक पेज पे चले जाएंगे, और कौन सा पेज जाएंगे मैं अभी बताता हूँ। और जो मोबाइल पे देख रहे हैं, ठीक है, वो तो स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेम लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या खुलेगा मैं दिखाता हूँ, मैं आपके क्लिक करता हूं, देखिए क्या खुलेगा यहाँ पे, ठीक है।
ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म सबने भरा था, एग्जाम जिन्होंने दिया है, ठीक है, तो उसका मैं एक सर्वे कर रहा हूँ कि कितने लोगों ने किस हिसाब से एग्जाम दिया है। अगर मैं इस हिसाब से एग्जाम देता हूँ या फिर लड़के या देखें, हाँ सब मेजोरिटी जो है 400 से पार वाला है, तो कट ऑफ थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है, तो मैं ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकता। इसके लिए मुझे सर्वे लेना पड़ेगा स्टूडेंट से, और जो वीडियो बना रहे उसे आप पूछे उनसे कि आप तुम सर्वे कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, आप उनके जाकर कमेंट करें कि भाई तुम यहाँ कैसे करके क्या कर रहे हो, ठीक है, किस हिसाब से तुम ये बता रहे हो, उनके हिसाब से पूछे। तो मैं इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, और पेपर 2 और पेपर 3 यही दोनों का मेरिट आपको जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम उपेन, ठीक है, आपका जितना भी पेपर 2 में मार्क्स आया होगा, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स के बारे में, पेपर 2 कितना मार्क्स, 100 क्वेश्चन था इसमें, तो अगर 300 का तो मान ली मेरे 200 आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें फॉर एग्जाम्पल 220 आ रहे हैं, ऐसे करके आप मान लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे अपना कैटेगरी आप जरूर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जनरल, OBC, ST, SC जो भी है, मेल फीमेल जो भी है आप, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है, मैं यहाँ पे रांची डालता हूँ, और अपना फोन नंबर यहाँ पे डालें। फोन नंबर डालने के बाद मैं कुछ भी डालता हूँ फिलहाल यहाँ पे, आप लोग सही फोन नंबर डालेंगे, मेरा फोन नंबर तो आप लोगों को पता ही है, वही डाल देता हूँ, ठीक है। तो इतना होने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट के क्लिक करने में आपको यहाँ पे आएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी 39 रिकॉर्ड आ चुके हैं ग्रुप से, ठीक है, जस्ट 1 घंटा पहले मैंने डाला था। तो इस तरीके से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, आप ही से कलेक्ट करूंगा डेटा, और उस हिसाब से आपको कट ऑफ यहाँ पे मैं बना के दूंगा, ताकि आपको भ्रमित में ना रहे कि क्या चीज कट ऑफ जाएगा, इससे आपको पता चलेगा हाँ एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है, और ये कैसे हम लोग इसमें फायदा ले सकते हैं, और जो सिक्योर है वो कैसे इजिली अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्प करना है, आप जितनी संख्या में से हेल्प करोगे, जितना संख्या में यहाँ पे फॉर्म जनरेट होगा, उसी हिसाब से आपका एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 दिन लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं भ्रमित में नहीं रखूंगा, आपको मैं एग्जैक्ट या 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे होगा, और नॉर्मलाइजेशन का तो बात है नहीं इसमें, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि एक ही सिटिंग में एग्जाम हुआ, एक ही दिन में एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का टेंशन में नहीं लेना आपको, बस कैटेगरी वाइज यहाँ पे मार्क्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ आपको कि हर एक वीडियो में आप ना पढ़े, क्योंकि आप लोगों को पता है IRB का कट ऑफ कितना हाई गया था, लेकिन जितने सारे वीडियोस बनाए गए सबका लो कट ऑफ था यहाँ पे, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ और झारखंड का कट ऑफ आया, उसमें बहुत डिफरेंस था, ठीक है। तो अगर आप कोई कट ऑफ का वीडियो देखते हैं तो उससे जाके पूछे कि भाई तुम ये कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो ये लॉजिक है मेरा, अगर ये लॉजिक आपको सही लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर कराए जाते हैं, आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्च करके देख लो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ठीक है, अगला जो एक्साइज कॉन्स्टेबल के बाद आपका स्पेशल ब्रांच का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।